Hey, what's up guys? मैं हूँ आपका फ्रेंड विकी, आपके अपने क्या विकी की मैं बहुत सारा स्वागत करता हूँ। बहुत सारा स्वागत क्या होता है भाई, स्वागत करता हूँ ये भी कहने से तो चल सकता था ना। चलो दोस्तों, स्वागत स्वागतम और वेलकम करता हूँ मैं आपका। चलो समझ दो अब। और दोस्तों, अब करने वाले हैं हम रिएक्शन। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, नहीं देखा तो मैं चलो बता ही देता हूँ थंबनेल में था क्या और रिएक्शन होने वाला किस पे। शिकारा, शिकारा अगर जहाँ तक मुझे पता है ये होता है एक नौका शिकारा, और जो डल झील जो कश्मीर में है उसका नाम है, मतलब उसको बोला जाता है शिकारा। तो ये जो मूवी का ट्रेलर है जिसपे मैं करने वाला हूँ रिएक्शन, ये रिएक्शन होने वाला है कश्मीर के ऊपर, कश्मीर के आवाम के ऊपर, कश्मीर में जो मतलब कि आज के टाइम पे आई थिंक, मुझे लगता है कि अभी की मूवी है तो आई थिंक वही रिलेटेड इश्यूज होंगे जो कश्मीर में हो रहे हैं। आई होप सो कि उससे रिलेटेड है। तो देखते हैं, अभी मैंने नहीं पता उसके बारे में रिएक्शन है, मतलब ये मूवी है किस पे। और बेसिकली इस पे ये है डायरेक्टर विनोद चोपड़ा जी, और शिकारा है एक्टर का नाम, नहीं है कुछ नहीं है। तो फॉक्स स्टार हिंदी ने रिलीज करी है। तो देखते हैं ये मूवी कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी क्या चाहिए, कैसी है वो ट्रेलर से पता लग जाएगा, क्योंकि ट्रेलर इज द बैकबोन ऑफ एनी फिल्म। ठीक है, अगर अगर एक एक मूवी का पता करना है वो ट्रेलर से पता लग जाएगा कि वो मूवी कैसी होनी होगी। समटाइम्स होता है मगर 90% पता लग जाता है कि मूवी क्या है। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना दोस्तों, तो सब्सक्राइब के बगैर मत जाना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और साथ में करते हैं रिएक्शन स्टार्ट कर ही देते हैं। कर देते हैं दोस्तों, हियर वी गो। विनोद चोपड़ा, पूरे श्रीनगर में हिट लिस्ट लग गई है। अच्छा, 1916 इंडिया, अब तो बहुत लड़के जाने लगे हैं पाकिस्तान। प्रोफेसर साहब आइए ना प्लीज। निकल जा, कश्मीर हमारा घर है यहाँ। हिंदुस्तानी एजेंटों को हम गोली मार देते हैं। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पंडित अभी भी हजारों की तादाद में जान बचाकर जम्मू की ओर रवाना हो रहे हैं। वादी शहजादी, बोलो कैसी हो? एक दिन तुमसे मिलने वापस आऊंगा। कुछ बरसों से टूट गया, खंडित हूँ। वादी तेरा बेटा हूँ मैं। हमारे घर पे तुम्हारा कोई हक नहीं है, हमारे वतन पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। ओके, दिस इज अ स्टोरी ऑफ कश्मीरी पंडित, जो मतलब 1989 में हुआ था, कश्मीरी पंडित जो बताया गया है। तो उस टाइम का मतलब सारा का सारा मतलब कि जो मूवमेंट चली थी, जो चीज़ें हुई थी, तो वो वाला जो बहुत ही टिपिकल टाइम था कश्मीर के लिए, वो सिचुएशन बिगड़ी हुई थी, तो उससे रिलेटेड ये मूवी बनी है। और उस पर ही मतलब कोई पर्टिकुलर एक स्टोरी उठाई गई है, जो अनटोल्ड स्टोरी बोली जा रही है, वो स्टोरी को डिस्कस किया जाएगा इस मूवी में। होप करता हूँ ये मूवी बहुत अच्छी होगी और कुछ मैसेज मिलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब एक तरफ आप मतलब कि आवाम को ये कर रहे हो कि ना बहुत अच्छा है, दूसरी तरफ दूसरी आवाम को मतलब कि लाइक कश्मीरी वो हट नहीं होना चाहिए ना, ऐसी मूवीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है कि अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्योंकि अब ये टाइम वो वाला टाइम नहीं है, अब टाइम 2020 आ गया है, तो हमें सबको लेके साथ में चलना है ना। तो सबके मतलब कि फीलिंग्स का ध्यान रख के हमें मूवी बनानी होती है। तो ऐसे कोई कॉन्सेप्ट ना दिखाया जाए इस मूवी में जिससे कोई हर्ट हो, है ना। तो ये था ओवरऑल रिएक्शन मेरा, होप करता हूँ आपको भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कुछ भी करो, करो करो करो। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बैठ के शब अगर सीखा दोस्तों, इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा आपको। बिना सब्सक्राइब के मत जाना, अगर नए हो तो लाइक।